कम जी लॉन्ग टाइम नो सी काफ़ी अर्सा हो गया आपसे बात किए हुए कोई वीडियोस अपलोड किए हुए एक्चुअली ये जो सारा सिचुएशन पेंडेमिक वगैरह की चल रही थी उस वजह से कुछ खास था ही नहीं है आपको दिखाने को या करने को तो कुछ छोटे छोड़ छोटे शॉर्ट्स लेके मैं जमा करती रही आ, फिर वन डे वन फाइन डे मैंने सोचा कि चलो वो सारे जो पास क्लिप्स जमा हुए हुए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो हम लोग निकले थे बाहर ये जो सऊदी नेशनल डे था नाइन्टीथ सऊदी नेशनल डे था तो उस दिन हम निकले थे बाहर ज़रा तो वहाँ पे आ, जैसे पाकिस्तान में होता है उसी तरह से यहाँ पे भी ये लोग बड़े जोशो खरोश से अपना नेशनल डे मनाते हैं और ये हम एक मॉल में गए थे आ, और वहाँ पे एक पियानिस्ट था और जो पियानो बजा रहा था बड़ा अच्छा सा और मेरी जो बेटी है वो बड़ा इन्जॉय कर रही थी इसको तो सो वही लेट हर इन्जॉय तो ये एक छोटा सा इवेंट था यहाँ पे uh, इवेंट तो नहीं कह सकते लेकिन जस्ट एक पीपल गैदरिंग थी छोटी सी वो भी म्यूज़िक की वजह से तो बच्चे बड़े सब खड़े होकर इन्जॉय कर रहे थे और uh, बच्चों को वैसे ही म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है लाइटनिंग अच्छी लगती है उसके बाद हमने सोचा थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए थोड़ा खाना खाने के लिए हम लोग निकले बाहर तो चूँकि सो नेशनल डे था इस वजह से हर तरफ आपको जैसे पाकिस्तान में ग्रीन एंड वाइट नज़र आता है तो यहाँ भी आपको नज़र आएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी छोटी सी एक सेलिब्रेशन की उन्होंने बच्चों के लिए और बलून्स बाट रहे थे वो बच्चों में बच्चे बड़े खुश हो रहे थे आई रियली लाइक दिस मैंने पहली दफ़ा ऐसे आ, कभी गई हूँ वरना हम लोग मोस्टली बाहर नहीं निकलते क्योंकि काफ़ी रश होता है तो इनके नेशनल डे पे इस वजह से कम ही बाहर निकलते हैं लेकिन ऐसे बस बोर हो गए तो सोचा ज़रा बाहर निकलते हैं फिर ये नेक्स्ट डे था तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा ताबा सेंटर होके आते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो आई नीड सम्राउजर्स वग़ैरह कॉटन के तो यहाँ पे आपको बड़ी वाइड वैरायटी आपको मिल जाएगी हर तरह की चीज़ मिल जाएगी महंगी चीज़ भी मिल जाएगी सस्ती चीज़ भी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर नीड तो ये काफ़ी बड़ा स्टोर है ये पहले दमाम में हम गए थे ताबा सेंटर तो वो भी बहुत बड़ा स्टोर है लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है और मेरा ख्याल है उतना ही बड़ा है ये भी तो यहाँ पर भी काफ़ी कलेक्शन है बच्चों की चीज़ों की बड़ों की चीज़ों की शूज़ बैग्स आ, कपड़े और हर चीज़ तो अभी मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं तो अभी भी यहाँ पे एस प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और जो है वो आपको हाथ सैनिटाइज़ करने होते हैं एंटर हो के okay, अपना टम्परेचर चेक कराना होता है मेरी बेटे को भी बड़ा शौक़ है टेम्परीचर चेक कराने का पहले ही डरा करती थी लेकिन अब इसको एंजॉय करती है ये तो ये हमने अपना टेम्परेचर चेक करा लिया था अब हम अपना ट्रॉली लेने के लिए बड़े थे आगे तो ट्रॉली इसलिए लीज कि अगर हमने ज़्यादा चीज़ें लेनी हो तो चलो आ, उस उसमें भी आपको हैंडी हो जाता है दूसरा आ, बेटी भी मेरी उसमें बैठ जाती है तो हमें इसको काबू करने के लिए पीछे पीछे नहीं दौड़ना पड़ता वरना ये बहुत दौड़ती है और काबू नहीं आती तो मैं आ, जो हूँ लेडीज़ सेक्शन की तरफ आ गई थी यहाँ पर चूँकि मुझे ट्राउज़र चाहिए थे थोड़े कॉटन के थोड़े अच्छे से ताकि आप कह रहे हैं कि स्लीपिंग सूट के तौर पे तो इसलिए मैं यहाँ पे आई यहाँ, यहाँ पे आपको बड़ी वैरायटी अच्छी सी नज़र आएगी स्कर्ट्स की आ, क्योंकि यहाँ पे कॉमनली स्कर्ट्स भी पहने जाते हैं लॉन्ग ड्रेसेस भी पहने जाते हैं ट्राउज़र्स भी टी शर्ट्स भी हर तरह के जो ड्रेसेस हैं लेकिन मोस्टली जो आ, ड्रेस आपको मिलते हैं सऊदी वो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं गाउनस की तरह के तो वैसे यहाँ पे हर तरह का ड्रेस जो है चलता है क्योंकि ऊपर वाया होता है तो आप नीचे जो है वो किसी भी तरह का ड्रेसिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको एक दिखा दूँ थोड़ी सी आम, कि किस किस तरह की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं तो अगर कोई यहाँ पे सऊदीया में रहता है और ताबा सेंटर अभी तक आपने विज़िट नहीं किया वैसे ये मुश्किल है कि आपने विज़िट ना किया क्योंकि इस बिन ऑलमोस्ट ईयर जब से इस्टबलिश हुआ हुआ है तो लेकिन अगर कोई नहीं गया तो आपको ज़रूर जाना चाहिए आपको एक चक्कर लगा के आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ से आपके मतलब की कोई चीज़ आपको मिलती है या नहीं मुझे तो मिल गई थी आई नीड दट ट्राउज़र तो आई गॉट इट प्लस मुझे एक डायनमाज चाहिए था वो भी मुझे मैंने ले लिया था यहाँ से और यहाँ पे पिलोज़ की स्टफ्ड एनिमल्स की बच्चों की चीज़ें हर चीज़ आपको मिल जाएगी मतलब एक स्टोर के अंदर ही और जो जो भी आप यू नेम एट एंडल हैव इट ऑब्वियसली बर्तन नहीं मिलते यहाँ पर लेकिन बाकी हर चीज़ आपको मिल जाएगी तो ये ट्राउज़र मुझे अच्छा लगा था क्योंकि थोड़ा खुला ट्राउज़र मुझे चाहिए था बिल्कुल uh, स्किनी और तंग वाला नहीं चाहिए था इस वजह से और वो भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि फिर भी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ सो आई ऑन मूविंग एंड मूविंग जब आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाए या आपके आपके पास बहुत सारे चॉइसेस आ जाएँ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है चूज़ करनी चीज़ें तो फिर मैंने फिर भी बड़ी मुश्किल से मैंने एक आधी चीज़ ले ली क्योंकि मुझे एक ग्रे या ब्लैक में ही चाहिए था लेकिन स्टिल मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ कुछ ये नाइट सूट्स थे कुछ इसमें टी शर्ट्स और पजामाज वगैरह जो जिसको आप नॉर्मली पीजेस बोलते हैं तो वो थे बड़े अच्छे डिज़ाइन में और सर्दियों के हिसाब से भी थे जो अंदर थोड़े से वूलन होते हैं वो भी और नॉर्मली कॉटन के भी थे तो जो आपकी अपनी चॉइस है जो आपको चीज़ अच्छी लगे यू कैन डू इट तो यू कैन बाय वट एवर यू वॉन्ट टू और दूसरा ये है कि आपको लॉन्ग uh, ड्रेसेज़ में अगर नाइट ड्रेसेज चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा मेरा ख्याल है कि चूँकि ये सीजनल होते हैं आपको आप चेंज करते रहते हैं नाइट ड्रेसिस को तो आपको तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर स्टफ़ टॉयज़ भी थे और मेरी बेटी को स्टफ़ टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं तो आई चोज चोजवान फोहर तो उसको बड़ा अच्छा लगा खेलती है उससे फिर तो उसकी भी उसकी शॉपिंग हो गई नॉर्मली उसकी चीज़ें कम ही इस तरह से हम लेते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है लेकिन अभी मैंने यहाँ से एक ले लिया था और वैसे भी चूँकि यहाँ पे एस ओ पीज़ का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है इस वजह से आपको उतना ज़्यादा खौफ अब नहीं रहा कोरोना का तो बाकी अल्लाह ताला सबको अपने जो में रखे तो ये बच्चों का सेक्शन था यहाँ पे आपको बच्चों की हर चीज़ मिल जाएंगे बच्चों की आ, जो रैपिंग के क्लोथ्स होते हैं आम नॉर्मली जो क्लोथ्स होते हैं वो भी आ, इवन पैम्पर्स भी और छोटे छोटे कपड़े भी बड़े कपड़े भी कॉट्स भी वॉकर्स बाइसिकल साइकल्स हर चीज़ आपको इनके बच्चों की मिल जाएगी छोटे जूते भी और चेयर्स जो बच्चों की होती हैं वो भी फीडिंग चेयर्स भी और नॉर्मल जो थोड़े बच्चों टोडर्स वगैरह के लिए जो चेयर्स होती हैं वो भी ये देखें और मुनासिब प्राइस में कॉस्टली भी नहीं क्योंकि ज़्यादा देर चलती नहीं बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चीज़ उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो देर पाओ जो चीज़ जल्दी जो है वो यूज़ से बाहर चली जाए उसके लिए आपको इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती तो चूँकि नेशनल डे था इस वजह से सऊदी मिलिट्री का यूनिफॉर्म भी बच्चों के उन्होंने रखा हुआ था ये वाइप्स थे तो ये देखें फीडर्स भी ये नहीं अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ वगैरह आपको गिफ्ट करना चाहते हैं तो पूरे पूरे गिफ्ट पैक्स मौजूद होते हैं जिसमें सब कुछ उन्होंने डाल के गिफ्ट पैक बनाया होता है और ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी नहीं अच्छी क्वालिटी भी इन चीज़ों यहाँ की चीज़ों की अच्छी होती है तो ये देखें वॉकिंग वॉकर्स जो होते हैं बच्चों के वो भी और चेयर्स हैं वो भी और अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ तो छोटे छोटे से बाइसिकल्स भी और जो छोटी कार्स होती हैं जब बच्चे नए नए चलाना शुरू करते हैं तो वो भी प्लस मुझे यहाँ पे बच्चों की बच्चियों के जो स्पेशल फ्रॉक्स थे मुझे बड़ी अच्छी लगी कॉटन की और थोड़ी फैंसी सी वो भी क्योंकि और ये भी मतलब सस्ती नहीं है आप इनको कह सकते लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी क्योंकि बच्चों ने मोस्टली ईद वगैरह पे या शादी वगैरह पे जो इस तरह की फ्रॉक्स पहनते हैं फ्लफी सी वो बच्चे नॉर्मली घर में नहीं पहन सकते आने जाने के लिए उस तरह से ट्रैवलिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती हैं क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होती तो इसलिए यहाँ से आप ईद के लिए और आने जाने के लिए मतलब कोई जैसे शादी हो जाती है या दावत हो जाती है वहाँ पर अगर अपने बच्चों को फैंसी क्लोथ्स पहनने हैं तो उसके लिए भी आप स्पेशली बेटियों के तो बहुत ही अच्छे कपड़े थे यहाँ पर फ्रॉक्स मुझे बहुत पसंद आई नेट की भी थी कॉटन की भी थी और जो है ये देखें ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी ये मोतियों वाली ये बड़ी अच्छी सी खूबसूरत और कलर्स भी सारे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर तो आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि जो मैं दमाम में जो, सेंटर जो दावा सेंटर गई थी सॉरी जो ताबा सेंटर गई थी तो मुझे इतने अच्छे नहीं मिले लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छे मिले और अच्छे नज़र आए तो आई एल बाय सम इनशा वेन एवर आई एल गो टू पाकिस्तान आई एल बाय सम गिफ्ट फ्राम हेयर जहाँ पे वो अपनी सारा की कज़न्स और बच्चों वगैरह के लिए तो ये देखें ये भी कितनी प्यारी नेट की बड़ी ही नरम नेट थी है। और अब चूंकि वैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कुछ नहीं लिए क्योंकि क्योंकि मुझे अभी पाकिस्तान नहीं जाना है तो इस वजह से मैं इस तरह के अभी ड्रेसेस फ़िलहाल नहीं ले सकी लेकिन वेन एवर आई गो आई सम इनशाला और ये मेरा विज़िट था ताबा सेंटर का और अभी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको दिखाई जा सकती थी लेकिन हमारे पास टाइम कम था और ये बहुत बड़ा स्टोर था और वो, वो रियली टायर्ड और सारा भी थोड़ी तंग पड़ी थी इस तरह से हमें जल्दी जल्दी रैप अप किया फिर उसको और फिर हम वापस आ गए और आप जो जो सऊदिया में रहता है आप ज़रूर ताबा सेंटर विज़िट करें स्पेशली जो शर्किया में रहते हैं तो आई होप मेरा ये काफ़ी बाद जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड डू सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़